दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन में SSC रीजनिंग RRB NTPC दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 51 दे रखा, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा है? तो एक सेकंड में कैसे हल करें, देखिए योग मतलब a प्लस बी बराबर कितना दिया 20, गुणनफल का मतलब क्या होता है AB बराबर 91। अब उनके व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम होता है 1/a प्लस 1/b, तो इनका जो गुणन करेंगे ए बी आएगा, ए से ए कटा बी बचा और बी से बी बटा ए बचा, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी बटा ए बी। तो ए प्लस बी का मान अपने पास कितना है 20 है और ए बी का मान कितना 91 है, तो 20/91 इसका आंसर आ जाएगा, 20/91 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा डी। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 7 है और उनका गुणनफल 20 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर पूछा, अंतर होता है दोस्तों a माइनस बी 7, और गुणनफल की बात होती है तो ab बराबर कितना था 60। तो अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है इसने, तो व्युत्क्रम क्या होगा कि 1/a माइनस 1/b, इनका गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए से ए कट गया बी बचा, माइनस बी से बी कट गया ए बचा, यानी कि ए माइनस बी अपॉन ए बी, तो ए माइनस बी बराबर कितना होता है 7/60, ये इसका आंसर होता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस पर देखिए, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, 54 से, तो अब इसका क्या करें, 54 प्लस जितनी अधिक है उतने 82 से कम है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दें, तो 4 × 2 = 6, 8 × 5 = 13, 136/2, 2 से काटेंगे तो 2×6 = 12 और 16×2 = 16, 68 आ रहा है आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, है ना। इसी का अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, तो देखो इनको जोड़ेंगे 36 + 86 कर देंगे बटा 2 कर देंगे, तो 6×6 = 12 होगा, सिरा 1, 3 × 4 = 8, 12 बटा 2, 2 से काटें तो 2×6 = 12, 2×2, 61 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 2 अंकों की बनी एक संख्या, अंकों का योग 9, अंकों का योग क्या कह रहा है 9 है, अंक उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों का योग 9। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करना अच्छा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अंकों का योग 9, देखो पहला इसी पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि 5 + 0 बराबर कितना था 5, यानी कि 9 नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा 6 + 0 = 6, ये भी अंकों का योग 9 ही है, अंक दोनों अंकों का योग 9, तो ये भी ऑप्शन गलत। 36 को देखते हैं तो 3 + 6 यानी कि 9 आया, एक शर्त पूरी हो गई, एक शर्त पूरी हो गई। अब अंक उलटने पर तो 36 इसको 3 6, तो 6 3 करो है ना, अंक उल्टो 6 3 करो, तो ये मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि इसमें से अपन 36 कम कर दें तो 13 में 6 गए तो कितने बचे 7, और 5 में 3 गए तो 2, यानी 27, यानी कि देखो इससे ये 27 अधिक है, इससे 27 अधिक है ना, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अंक बदल दें, अंक उलट दें है ना, तो अंकों योग भी 9 हो रहा है और अंकों उल्टे यानी कि 3 6 6 3 कर दिया, तो उतनी 27 ज़्यादा हो गई है, अब ये कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो जैसा ऑप्शन में यहाँ प्रश्न में पूछे वैसा जवाब आप दे सकते हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन, तो 2 अंकों की संख्या अपने योग के योग से 3 गुनी है, योग से 3 गुनी है, संख्या में 45 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं, देखो कितना कठिन सवाल पूछा है,
दो अंकों की संख्या, फिर ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। देखिए तो 6 + 3 कितना हुआ, 6 × 3 कितना हुआ, 9 हो गया। अब ये जो संख्या है ये अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, इसमें अगर 3 का गुणा करें तो कितना आता है, 27। तो योग 27 आ रहा है, 63 हो रहा है, योग की 3 गुनी ये है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। इसी प्रकार 53 को देखते हैं तो 5 + 3 बराबर कितना होगा, 8 होगा, अगर 3 का गुणा करें 8 किया 24 होगा, जो 24 ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 72 को देखते हैं, 7 + 2 7 × 2 9 9 में 3 का गुणा करें तो 9 × 3 = 27, ये भी नहीं हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत। 27 वाला देखते हैं, 2 + 7 तो 9 और 3 का गुणा करें तो 9 × 3 = 27, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। 27 वाला ऑप्शन, ये शर्त मंजूर होगी। फिर क्या कह रहे हैं, संख्या में 45 जोड़ दें, तो देखो 27 + 45 जोड़े तो क्या हो रहा, 7 × 12 का 2, 1 3 × 4 = 7, अंक पलट देते, अब 2 पे 7 है, अब 7 पे 2 है, तो अंक भी इसके पलट गए, इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल बराबर सही आ रहा है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, वर्गों का योगफल, और सम संख्या पूछी इसे, देखो वर्गों का योगफल पूछे इसने, तो पहली संख्या 100 होगी, मान लीजिए कि 2 है तो x प्लस अगर 2 करेंगे तो दूसरी संख्या 2 × 2 = 4 होगा, फिर कह रहा कि x प्लस अगर 4 करेंगे तो अगली संख्या होगी, फिर करेंगे कि x प्लस 6 करेंगे तो अगली संख्या होगी। सम संख्याओं का योग 60 है, इसके बराबर कितना आ रहा, 60 आ रहा है, योग 60 ही कह रहा है, योग 60 है। अब इन संख्याओं वर्गों के योग, वर्गों का योग बाद में निकालेंगे, पहले इन संख्या निकालनी पड़ेगी, तो 1 यानी कि 2 है तो 2 × 2 = 4 होगी, फिर 4 × 2 = 6 होगी, 6 × 2 = 8 होगी, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या होगी अपने पास, एक्स 1, 2, 3, 4 एक्स हैं, प्लस 6 × 4 = 10 × 2 = 12 60। अब 60 में से 12 इधर माइनस कर देंगे है ना, तो 60 में से 12 गए कितने बचे, 12 × 60 = 48, तो x बराबर 48/12, 12 × 48, यानी कि संख्या अब अपने पास होगी, x का मान कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 4 × 2 = 6 हो गया, फिर 4 × 4 = 8 हो गया, और 4 × 6 = 10 हो गया। तो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो 4 का वर्ग निकालेंगे है ना, इन सबको वर्ग निकालेंगे, तो अपने पास सभी काफी अपने पास थे नहीं, ये जगह कम पड़ गई ना, ये डंडा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कागज, देखो 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 6 का वर्ग करें तो 36, 8 का वर्ग करें तो 64, 10 का वर्ग करें तो 100 है ना, 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 16, 6 × 1 = 2, 3 × 5 11 का 1 हासिल है, 1 × 2 216 तो किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा, सॉरी गलत कहाँ हुई, ये देखो ये 12 है ना, यहाँ 4 आएगा, तो 4 × 4 = 12 आएगा, संख्या कौन सी आएगी अपनी, 12 आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गए, संख्या कौन सी आएगी अपनी, संख्या यहाँ पे गलत होगी, संख्या पे आएगी 12 आएगी, पहली संख्या 12 आएगी, 12 × 2 = 14 आएगी, और 12 × 4 = 16 आएगी, और 12 × 6 = 18 आएगी। अब इनका योग निकालो, वर्ग निकालो, देखो इन सब का वर्ग निकालो, तो 12 × 12 = 144, 14 × 14 = 196, 16 × 16 = 256, 18 × 18 = 324, 18 × 18 = 324, 6 × 4 = 10 सीपर, 6 × 10 = 6 × 10 = 10, तो 10 × 10 = 20 की सीपर, 2 × 2 = 6 9 × 6 = 15 5 × 20 = 2 22 का 2 हजला 2
दो एक तीन एक चार, तीन दो छः, तीन सात, 720 होगा। तीन सौ चौबीस देखो, दो दो चार छः ने, छः ने पंद्रह, पंद्रह ने पाँच, बीस ने दो, बाईस का दो हज़ार, दो दो ने तीन ने चार ने दो छः ने तीन, नौ नौ होगा, नौ सौ बीस। कितना आंसर आ रहा है? नौ सौ बीस आ रहा है। तो नौ सौ बीस किसी ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है। नौ सौ बीस सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग सात, ठीक है, अंक उलटने पर संख्या मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का योग सात आ रहा है देखो, तो अंकों का योग सात, तो छः प्लस अगर तीन करेंगे तो बराबर नौ होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसको फाइट नहीं कर रहा है। फिर टू प्लस फाइव करेंगे तो सात होगा, बिल्कुल ये बात तो सही हो रही है इसकी। फिर अंक उलटने पर, तो दो पे पाँच, तो पाँच पे देखो, ये दो पे पाँच है और ये पाँच पे दो है ना, कितना अधिक हो गया देखते हैं। मूल संख्या 27 अधिक हो जाती है, तो वो 12 में से पाँच गए तो सात, चार में दो गया दो, यानी कि इससे 27 अधिक हो गई। इसको बोलते हैं अंक उलट दिए अपनों ने, दो पे पाँच, पाँच पे दो कर दिए, अंक उलटने पर संख्या मूल संख्या 27 अधिक हो गई, ठीक है, अधिक हो गई, तो ये शर्त भी इसकी मंजूर हो गई, तो किससे हुई? 25 से हुई ना? अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बचा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, उनका अंतर ये है, तो संख्या योग क्या होगा? देखो, दो संख्याओं का अनुपात जैसे कि संख्या अपने पास ए है और बी है, तो 8:3 है, तो अंतर मतलब घटेगा, तो 8 में 3 के तो कितने बचे? 5:5 का मान कितना है? 75, तो 1:1 का मान कितना है? 15×5=75, तो 1:1 का मान 15, तो संख्याएं उनका योग क्या होगा? तो 15 का गुणा इधर भी कर दें और 15 का गुणा यहाँ भी कर दें, 15 × 8=120, 15 × 3=45, तो 5×2=165। सी ऑप्शन राइट आंसर। थैंक यू, कोई अच्छा लगे करें चलो सब्सक्राइब करना।